ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीतिक। मित्रों, आज बात करते हैं शकुन और अपशकुन की। शकुन समाज में प्रचलित एक अवधारणा है, जिसमें यह माना जाता है कि कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं हमें भविष्य के प्रति अच्छा या बुरा संकेत देती हैं। अनुकूल संकेत मिले तो शुभ शकुन और प्रतिकूल संकेत हो तो अपशकुन कहा जाता है। न केवल भारत अपितु विश्व भर में ये शकुन और अपशकुन प्रचलित हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी कई प्रसंगों में शकुनों और अपशकुनों का विचार किया गया है। ज्योतिष शास्त्र में तो शकुनों और अपशकुनों पर विशेष विचार किया जाता है। प्रश्न कुंडली की विवेचना में शकुनों का विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही यह शकुन विचार जनमानस में चर्चा का विषय रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी चर्चा होती रही है। वैज्ञानिक दृष्टि से इन शकुनों को अंधविश्वास ही माना जाता है। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। हम केवल प्राचीन विश्वासों की जानकारी ही इस श्रृंखला में उपलब्ध कराएंगे। अगर घर में बिल्ली बच्चों को जन्म दे तो यह एक शुभ संकेत है। इससे जल्द ही धन संपदा की प्राप्ति होती है। यदि घर के आंगन में बंदर कहीं से आम की गुठली लाकर डाल दे तो यह एक शुभ संकेत है। इससे व्यापार में वृद्धि होती है। घर के मुख्य दरवाजे पर कौवा आकर बोले तो कोई अतिथि आता है। यदि तीतर घर के दक्षिण में आवाज करे तो अचानक धन की प्राप्ति होती है। यदि घर के आंगन में कोई पक्षी चांदी की कोई वस्तु लाकर डाल दे तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। घर की मुलेर पर कोयल या सोन चिड़ैया बोले तो ग्रह स्वामी के सौभाग्य में वृद्धि होती है। घर की छत पर कोयल बोले तो धन समृद्धि में वृद्धि होती है। काली चींटियां दीवार या छत पर लाइन बनाकर चलें तो ऐश्वर्य बढ़ता है। घर की छत पर मोर का आकर बैठना अत्यंत शुभ होता है। जिस घर में छछुंदर घूमती रहती हो वहां लक्ष्मी जी निवास करती हैं। मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।